आज एक बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी करी है आपने नीचे, तो कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में कि क्या कुछ हुआ है नीचे, उसके बारे में बताइए। पहले तो आई थिंक बायो ऑयल के साथ ये जो एक्टिविटी है इट इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग लिटरली. तो आई थिंक कि हम लोग यू नो आई एम अ न्यू मदर, यू नो आई हैव अ 6 month old, लेकिन आई मेट मदर्स हु आर एक्सपेक्टिंग एंड द जर्नी जो मेरी थी और जो उनकी है, उनसे बात करके ये पता चला कि हम अकेले नहीं हैं. सारी दुनिया जितने भी माएँ हैं दे ऑल गो थ्रू देयर यू नो देयर हार्डशिप्स एंड दे ऑल ऑल्सो गो थ्रू दैट ब्यूटिफुल जर्नी. सो इट्स रियली गुड. तो हमने ये बातचीत की, ये एक्सपीरियंस किया एक दूसरे के साथ, वेदर इट वॉज़ अबाउट चेंजेस इन द बॉडी, वेदर इट वॉज चेंजेस इमोशनली, मूड स्विंग्स, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन जो आपको कोई नहीं बताता, जो सिर्फ आप जब एक्सपीरियंस करते हैं आपको पता चलता है. ओके, कितनी मेमोरीज रिकलेक्ट की यू नो जब आप शेयर कर रहे थे बहुत तो। सारी. आई थिंक जितने मैंने मदर्स से बात की और टू बी मदर्स से बात की, उनसे यही पता चला कि सबके एक्सपीरियंसेस वेरी सिमिलर भी होते हैं और वेरी डिफरेंट भी होते हैं ऑन मैनी लेवल्स. यू नो थैंकफुली मुझे लाइक मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी. ऐसे कोई मदर्स है जिसको मॉर्निंग सिकनेस थी, तो देर आर सम थिंग्स दैट आर डिफरेंट, बट द होल पैकेज इज़ द सेम. यू नो वेदर इट्स बैक पेन, वेदर इट्स लाइंग ओनली ऑन योर बैक एंड स्लीपिंग. आई मीन फॉर मी, मेरी आदत थी हमेशा पेट पे लेट के सोना, विच आई कुडंट डू. तो आई यू नो एंड लैक ऑफ स्लीप. सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप सोच भी नहीं सकते व्हेन व्हेन यू आर नॉट अ प्रेग्नेंट पर्सन, व्हेन यू आर नॉट अ मदर. ओके सानिया, आप और एक चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है, पेरेंटहुड कितना एंजॉय कर रही है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, लग नहीं रहा कि मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ. मैं ही इज़ आई एम इन लव, लाइक आई एम सो इन लव, एंड इट इज़ द मोस्ट सेल्फलेस काइंड ऑफ लव दैट आई एवर नोन. इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल काइंड ऑफ लव आई एवर नोन, एंड आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, एंड आई यू नो आई कॉन्ट थैंक गॉड इनफ फॉर ब्लेसिंग मी विद सच अ ब्यूटिफुल बेबी. चेंजेस कितने आए हैं यू नो बेबी के बाद? आए हैं ऑफकोर्स चेंजेस, कैसे नहीं आएंगे. आपको रात में नींद के चेंजेस हैं, यू नो आपका हर जो स्केड्यूल होता है वो सारा बेबी के अतराफ यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मैनेज इट. तो चेंजेस तो आए हैं लेकिन दे ऑल फॉर द बेटर. आई थिंक देव मेड मी अ बेटर पर्सन, देव मेड मी देव इवॉल्व मी एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड यू नो आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे. ओके, मदर्स डे भी आ रहा है अब, फाइनली आप भी मदर बन चुकी हैं, तो वो कैसी फीलिंग है यू नो? बहुत अच्छी. आई थिंक मैं मदर्स डे को अब दिल से अप्रिशिएट कर सकती हूँ, बिकॉज आप अब समझ सकते हैं कि द काइंड ऑफ थिंग्स दैट योर मदर्स एंड योर पेरेंट्स हैव डन फॉर यू. सो या सो आई थिंक मदर्स डे इज़ समथिंग दैट comes with a lot of emotion for me right now, especially it's my first Mother's Day. ओके सानिया, आल्सो अभी 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 हाल ही में आप एक अनस्टॉपेबल अनन्या बिरला के अनस्टॉपेबल सिंगल्स में नजर आई थी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि मदर्स डे उन्होंने के कहा बारे में कि प्लीज. इंस्पायरिंग स्टोरी है, इंस्पायरिंग वुमेन्स है उसमें, तो उसके बारे में मदर्स डे का सिर्फ रखते हैं ओके क्या एक घंटे बस करें? ठीक है, नहीं बस नहीं करना अभी. ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस. ओके सो सानिया, जैसे कि आपने मदर्स के बारे मदर डे के बारे में बताया कि आप यू नो बहुत ही स्पेशल रहेगा, आप अपने मॉम के लिए क्या कुछ स्पेशल करने वाली हैं? मैं होपफुली मेरे मॉम के साथ रहूँगी मदर्स डे, अगर इफ़ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, लेकिन आई ट्राई एंड स्पेंड टाइम विथ हर, क्योंकि ये मुझे करने का मौका बार बार नहीं मिलता बिकॉज वी डोंट इवन लिव ऑलमोस्ट इन द सेम हाउस यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई एम ट्रैवलिंग सो मच एंड शी हैज़ अ ओन थिंग. दिस टाइम इफ़ आई एम देयर आई डेफिनेटली टेक हर आउट, एंड आई टेक माई सन अलॉन्ग इज़ वेल, क्योंकि आई थिंक दैट इट विल बी 3 generations, एंड आई मीन आई एम अ मदर टू, सो इट्स माई मदर्स डे इज़ वेल. ओके, और इसके अलावा यू नो कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी कुछ स्पेशल प्लानिंग की है? स्पेशल प्लानिंग कुछ नहीं होती रमज़ान की. आप यू नो इट्स गोइंग टू बी आई एम एट होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाइक आई सेड फॉर रमज़ान, सो आई बी एबल टू फास्ट ऑल द इंशाल्लाह 30 fast, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके नेहा, सो आज एक बहुत ही लवली एक्टिविटी की है आपने नीचे बायो वॉल के लिए, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक जब भी आप यू नो मॉम से स्पेशली एवर सिंस आई बिकम अ मदर, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग मॉम्स और वुमेन हु आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग मॉम्स, इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक फॉर मी. और जैसे आपने कहा कि बहुत लवली एक्टिविटी, आई थिंक इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. आप
कहीं पे भी चले जाएं, वंस यू बिकम अ मॉम, वेदर यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर हस्बैंड, वेदर यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, इट्स ओनली द वंस हु एक्चुअली हैव बिकम मॉम्स हु रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम हाउ सेंसिटिव एंड हाउ डिमांडिंग आवर लाइव्स एंड अप बिकमिंग. ओके, उनसे बात करते हुए कितनी मेमोरीज रिकलेक्ट किया आपने? एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा मेमोरीज नहीं थी. वी वर टॉकिंग अबाउट बायो ऑयल और जैसे आप देख सकते हैं अनस्ट्रेच जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं. जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बात की थी एंड इट्स अबाउट ऑल द पीपल हु लव यू, ऑल द पीपल हुव बीन अ मैटर ऑफ सपोर्ट टू यू. तो हमने वो सारी बातें की. अब जाके मेरी बेटी ऑलमोस्ट 5.5 महीने की हो गई है, तो यू नो टाइम फ्लाइज, बट शी इज़ अ बिग गर्ल नाउ. द लास्ट टाइम आई वॉज डूइंग एन एसोसिएशन वॉज डेफिनेटली वैन यू नो आई वॉज प्रेगनेंट एंड स्टिल कैरिंग हर. और जब हमारी बात हो रही थी, ऑफकोर्स द वन मेजर चेंज दैट यू सी इज अ चेंज इन योर बॉडी, देर आर चेंज इन योर hormones, there's no control over that and there's a huge change that comes in your body. Aur main unko bata rahi thi that you know you can your size can go up and down, but you know it's a tough one sometimes to live with the one incurable solution which is stretch marks. To uski bhi baat hui, but my solution was all cured because I was definitely using bio oil. And the good thing was that as to they say that you don't need very much, but I was just going a little overboard also because I like the way it feels, so I was just putting it all over my body. Thoda zyada kiya, but it's all worth it because I'm on a good wicket right now. Jaise ki aapne kaha, you know, you're now mom, to ye motherhood kitna enjoy kar rahi hain aur क्या कुछ चेंज लाया है इस बहुत कुछ अगर आप पूछे. इट्स द वर्ल्ड, माय वर्ल्ड इज चेंज, लाइक यू नो नाइट्स आर नॉट नाइट्स एनी मोर, डेज आर नॉट डेज एनी मोर, लव हैज़ अ न्यू डेफिनेशन, यू नो आई हैव सो मच मोर कंपैशन फॉर एवरीवन अराउंड मी एंड आई लव समवन इनफाइनाइटली मोर देन आई ever loved anything, anyone or even myself. तो अगर ये तो मतलब सबसे छोटी चेंज है और बाकी अलग अलग चीज़ों की वजह से और चेंजेस आ चुकी हैं. बट it's very hard to describe, but you know it's a little joys, it's a little pleasures, it's a little struggles that you have and it's the big responsibility. तो वो तो कभी भी नहीं जाएगी अब, पर जस्ट टू वेक अप एंड सी हर स्माइल, मतलब वो दिन में 4 बार उठती है क्योंकि वो 4 बार सोती है, फिर वो आँख खोलती है एंड शी स्ट्रेचिंग एंड आई एम स्टैंडिंग एंड जस्ट वेट फॉर दैट स्ट्रेच एंड इट्स जस्ट माई हार्ट मेल्ट्स एवरी टाइम. अभी भी जब हम बात करें मुझे उसकी शक्ल दिखाई दे रही है. बहुत ज़्यादा आई थिंक द टाइम हैज चेंज, पीपल हैव बिकम सो एक्सेप्टिंग. एक वो जो होता था कि नहीं एक बार माँ बन जाओ तो आपका करियर नहीं होगा एंड यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर. इट्स जस्ट मे बी लाइक लिटरली आई वॉज यू नो आई वॉज ऑन अ कॉल विद माई एडिटर एंड आई टोल्ड हिम लिसन आई विल कॉल यू इन 1.5 आवर्स. मुझे अभी भी याद है मैं नो फिल्टर नेहा की का एक नया एपिसोड आ रहा था उस दिन मंडे को एंड माई डॉटर वॉज बॉर्न ऑन संडे. So I just told him I'll call you in 1.5 hours. I went in, had the surgery, baby was out. I called my editor back. I'm like, "Woh yaar, edit kar de." And then he called me back saying, "I just saw something on Twitter." I said, "Yeah, that's why I took 1.5 hours off." So you know, you really don't have to stop doing anything you're doing. And I was shooting on like the 9th day after giving birth. And you know, as women, we're all like, you know, unstoppable, and it's our own journey. That's why jab main pregnant bhi thi, aur believe it or not, you know, I was a part of the Unstretched Journey, which is the coffee table book, aur jab mujhe mauka mila tha, I was like, yes, I'll share my story with you. And now, even like when my daughter was about 4 months old, about 1.5 months ago, I was just having a cup of tea and then I read my own story and I was like, in a strange way, it's inspiring me. So, you know, one woman to another, kahin pe bhi, with any little story, any little anecdote, if we can make a difference in someone's life, why not? Okay. You know, abhi tak aap Mother's Day celebrate karti thi, ab aap bhi mother ban gayi hai, to wo special feeling hai kuch? Yes, I wish I could spend Mother's Day with my daughter and my mother. But, you know, what the hell, we'll be celebrating 3 days late because it's kind of clashing with my anniversary also. So I just told my mom this year I'll choose my husband. She was like, okay, theek hai. But yeah, we're planning a trip to a spa for about a week. Just my mom and my daughter and me. And maybe Angad will visit, or I don't know if he decides to, it'll be great if he's not shooting and stuff. But that's how we'll celebrate. And we love spending time with each other, the three of us. My daughter gets along with my mom. My mom's crazy about my daughter. Meri thodi jo hai standing un dono ke beech mein kam ho gayi hai because now I'm not priority for my mother. And when her nanny's there, then I'm not priority for my daughter. So yeah, thodi sa matlab second. Okay,
ओके मेरा लास्टली अगर आपसे पूछा जाए कि मदर्स डे पर एक जो बेस्ट गिफ्ट आप अपनी मॉम को दे पाएंगी तो वो क्या होगा? Most definitely time and attention without checking Instagram when I'm with her. So when I'm sitting and she'll be like, "Niche rakho phone." I think the bigger Instagram buff is my mom. Okay. So yeah, and she loves Candy Crush also. So the best gift my mother, if she's watching me, if she can spend time with me without playing Candy Crush or checking Instagram or checking Twitter, it'll be great. So without our phones, if we can spend time with each other.